अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम लाए हैं मूंग दाल बड़ा। ये छिलके वाली दाल का मूंग बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिस्पी बनकर रेडी होगा था। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी, और इफ्तार स्पेशल है, इफ्तार के टाइम पे ये ज़रूर बनता है। मैं तो इसको हर रोज़ बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये क्रिस्पी सा। सबसे पहले हम 2-3 घंटे के लिए हमने दाल धो कर रख दी थी। अब हम इसको अच्छे से धोकर इसको वॉश कर लेंगे और एक ग्राइंडर में हम दरदरा से इसको पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा ही रखना है। इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा और हल्दी पाउडर और चाट मसाला पाउडर, जितने भी आपके मसाले होते हैं सब इसमें ऐड कर दीजिएगा। नमक साल्ट टू टेस्ट और चॉप्ड ऑनियन ऐड करूँगी मैं, और क्यूमिन पाउडर भी ऐड किया है, धनिया मिर्च और ग्रीन वाली, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स में ऐड कर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिए होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसमें डाल दिया चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड ऑनियन, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको हम फ्राई करेंगे। लास्ट में डालिए रेड चिली पाउडर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि हमने 3 इसमें मिर्चें ऐड कर दी, ग्रीन चिली भी ऐड की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद फ्राई करेंगे इसको। दरदरा जितना पीसेंगे उतनी कुरकुरी बनकर रेडी होंगे। जितनी कुरकुरी होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी रेसिपी। बिल्कुल हलवा स्टाइल हम बनाकर रेडी करेंगे। ऑयल हमने गरम कर लिया है कढ़ाई में, इसमें अच्छे से हमारा प्रीट हो गया है। इसमें हम छोटे छोटे हम और इसमें डाल देंगे बना के, और चाहे तो चम्मच से बना कर डाल सकते हैं, मैं तो हाथ से डालूँगी क्योंकि एक शेप में आ जाते हैं छोटे छोटे से जब होंगे। एक बार हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम डबल इसको फ्राई करेंगे जिससे हमारे क्रिस्पी बनकर रेडी होती हैं, तभी क्रिस्पनेस आती है। आप दोबारा से इसमें फ्राई करें तभी आती है। एक बार इसको बेच डाल देंगे, उसके बाद दोबारा बेच में डाल देंगे, उसके बाद हम दोबारा फ्राई करेंगे तभी हमारे बच्चे अच्छे बनकर रेडी होंगे। और अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे, चेंज कर देंगे इसकी पोजीशन। और ये देखिए इसी स्टेज पर इसको बाहर निकालना है क्योंकि हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे तो इससे हमारा और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। क्योंकि थोड़े से हल्के से फ्राई करना पहली बार में, उसके बाद हम डबल इसको फ्राई करेंगे तो अच्छे से कुरकुरे बनकर रेडी होंगे। इनको बाहर निकाल लेते हैं, प्लेट पर फैला देंगे, उसके बाद हम दूसरा बैच इसमें ऐड करेंगे। दाल में आती है कुरकुरी सी क्रिस्पी, यही हो जाती है तो अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हम दूसरा वाला बैच भी इसमें ऐड कर देंगे, बाद में हम डबल इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने डबल इसको डाल दिया, दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए बस। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो 1 मिनट में बस फ्राई हो जाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एकदम घन घन से आवाज़ भी आने लगी है। इनको बाहर निकाल लेंगे और गर्म गर्म सर्व करें इफ्तार के टाइम। बिल्कुल इनको आप चाय के साथ भी ले सकते हैं इवनिंग स्नैक में, और चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी आप घर पर इसको बना सकते हैं। दूसरा वेली भी हम इसमें ऐसी तरह से फ्राई कर लेंगे दोबारा से, और इनको भी बाहर निकालेंगे 1 मिनट के लिए बस फ्राई करना, उसके बाद बाहर निकाल लेना है।
अलट पलट कर इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद सर्व कर लें आप केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। ज़रा भी पसंद आए तो रेसिपी कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी, और अच्छे अच्छे प्यार प्यार कमेंट करिए। और रोज़े किसके कैसे चल रहे हैं, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे, कमेंट करके बताइए किस किस को रोज़ा ज़्यादा लग रहा है और किस किस को नहीं। बहुत प्यारा मौसम है, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलते रोज़े कहाँ जा रहे हैं। और इनको भी इसी तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।